सो हेलो जीरो, स्वागत है आपका माइक भाई ब्लॉग में। अपलो लेके आ चुके एक और न्यू ब्लॉग। भाई अपने पास है मोनोकाइट का गट्टू, ये रहा ब्राउन कलर में, साथ ही साथ अपने पास रही मंजोली वाली पतंग इमरान फैंसी की। सबसे पहली बात तो ये देखो भाई, बहुत क्लासिक पतंग चलती। ये पूरा चौका था मंजोली पतंग का, अपन ने कन्ने तो बांध लिए अभी दो पतंगों के, लेकिन एक पतंग का भाई बहुत ज्यादा नुकसान भी हो गया। पतंग आती है भाई ये वाली महंगी, ये वाली पतंग का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि इसमें लग गए भाई कीड़े, और ये पीछे वाली डंडी को पूरा खा चुके हैं, अंदर से खोखला भी कर दिया उन्होंने। अब जैसे अपन इसका ठड्डा मोड़ेंगे तो भाई ये टूट जाएगी तुरंत ही। अपन को इस पतंग की टेक्निक भी पता बचाने की, पूरी पूरी बचा सकते, लेकिन अभी टाइम नहीं है। फिलहाल अभी पहले पतंगबाजी करते हैं, काइट फाइटिंग करते हैं, आइएगा। भाई अपनी पतंग अब ठीक ठाक बढ़ चुकी है। मयंक भाई जैसे ही पहले पैंच लड़ाते तो आपको पतंगबाजी करते हुए दिखाते हैं, आइएगा। अब पैंचे होंगे पैंचे। तो भाई मयंक भाई अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और ऊपर की तरफ, और ओपोनेंट है अपना राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ, और दोनों की सेम ब्लू कलर की पतंग है, और एक पन्नी की पतंग बीच में से अगर ऑप्शन रहा। वो गलत 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 उसका बाहर की तरफ जा रहा, वो गलत क्या हुआ। हाँ पैंचे हो गए भाई, पैंच हो गए, काटे है भाई। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये उम्मीद नहीं थी, हमें लगता थोड़ा गलत हो गया था स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ फिर बीच में सही हो गया था। अब भाई मयंक भाई से थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कैसा रहा ये पहला पैच। जो ये वाला पैच था ना, इसमें पतंग की डोर चिपक गई थी, अपन ने दो तीन झटके मारे, पतंग उसकी कट गई बिल्कुल आराम से, और हल्की पतंग भी थी। इसी दौरान ये पन्नी की जो पतंग आ रही है इनको अपन काटते हैं, आइएगा। तो भाई मयंक भाई अपने लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर ओपोनेंट, तो देखते हैं मयंक भाई अब क्या करते हैं। और भाई उसकी पन्नी की पतंग है और ओपोनेंट ऊपर है और काटे है। भाई ओपोनेंट की काटे हो गई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब मयंक भाई का फीडबैक लेते हैं सेकंड पैच के बाद। की पतंग देख रहा है कैसी सुसरा रही थी, पन्नी की पतंग तो थी साथ ही साथ बहुत ज्यादा सुसरा भी आई थी। ये भी जो पैच काटा है अपन ने पतंग का, वो भी पूरा झटके पे काटा, मतलब ऐसे ऐसे तुनकी मार मार के। चलो आओ एक और नए पैच पे मिलते हैं अपन लोग। भाई अपन नेक्स्ट पैच पे हैं और मयंक भाई है राइट हैंड साइड पे नीचे से जा रहे हैं, और ये भाई देखो देखो क्या होता है, क्या होता है, काटा है भाई। सबसे कठिन पैच था ये और सबसे ट्रिकी पैच भी था भाई ये बेटा ब्रो। और एक चीज देखी थी इसमें कितनी स्पीड में ले गए थे पल्लू, उसे मौका नहीं दिया भाई था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी सर्दी से काटी, बराबर मंजे से ही काटी अपन ने। जब अपन लोग खींचते हुए ऊपर आते ना तो मंजे ही टकराता उसका, और कन्ने से थोड़ी एक दो मीटर पास में होते, और बहुत सही पैच गया था इसका तो, क्योंकि अब पतंग भी अपने हिसाब से चल रही है और हवा भी सही चल रही है आज तो। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो भाई मयंक भाई अपने राइट हैंड साइड पे कागज की पतंग था और ओपोनेंट अपना लेफ्ट हैंड साइड पे, तो अभी जस्ट देखते हैं भाई क्या होता है। और मयंक भाई अब नीचे की तरफ आ गए हैं राइट हैंड साइड पे और ओपोनेंट अपना ऊपर है, भाई कुछ नहीं पता। और अभी हमें लगता है पैच गलत जा रहा है, अब वो भाई साहब बीच में रखने की कोशिश कर रहा था, बच गया भाई बच गया। अब देखते क्या होता है, भाई नीचे हो गया, अब देखते बाहर की तरफ गया, अपना काटे हो जाएगा, काटे है भाई। सही बताएं तो अपनी जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ हुआ एंड टाइम में देखा हमने झटके से पतंग चेंज नहीं हो गई, डायरेक्शन बदल गया। इस वाले पैच में हुआ क्या था, पाइप में ना अपनी सद्दी फंस गई थी बीच में ही, डोर जैसे फंस जाती तो भाई फिर पैच तो गड़बड़ होता ही है, तो खींच में ही काटी बड़ी मुश्किल से। चलिए नेक्स्ट पैच मिलते हैं, आइएगा। तो भाई रेडी फॉर नेक्स्ट पैच, और मयंक भाई रेडी हो चुके हैं, और मयंक भाई की पतंग है ऊपर की तरफ और ओपोनेंट अपना नीचे की तरफ, और मयंक भाई अब ऊपर से नीचे की तरफ ले गए पतंग और ओपोनेंट झुका ली। नहीं 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 बहुत ज़्यादा भाई, दूसरे पतंग से भी हो जाएगा पैच साथ ही में, और इस समय थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो भाई अब देखते हैं क्या करते हैं, मयंक भाई अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं इस समय। मयंक भाई कह रहे हैं आप एंगल चेंज कर रहे हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड पे पेन लड़ाया था, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं। तो भाई मयंक भाई अपने नीचे से और आईपो, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब तो उसे भाई पता नहीं लगने थी, अपन ने जैसे ही पैच बना भाई खींचते हुए लेगा बहुत कस के, और जो हल्की सी कट की आवाज आई थी भाई इधर डोर पे महसूस हमें होती भाई साहब, क्या मस्त पैच काटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पैच पे, आइएगा। तो भाई मयंक भाई है लेफ्ट हैंड साइड पे और नीचे से होते हुए जा रहे हैं। ओपोनेंट अपना काटा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, इसमें विश्वास हो गया था कि ओपोनेंट की पतंग ही जाएगी। भाई थोड़ा मयंक भाई से बात करते हैं, देखते हैं भाई मयंक भाई का क्या रिएक्शन है। ये वाली जो पतंग का पैच काटा है अपन ने, हवा के विपरीत जाके बड़ी मुश्किल से खींच के कटाएगा ये वाला पैच, एक बार में कटा हुआ, और आज काफी बढ़िया पतंगबाजी हो रही अपने आप, बहुत बेहतरीन पतंगबाजी होने लगी, और लगातार आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। तो भाई बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि अपन लोग बहुत जल्दी जल्दी ब्लॉग डालने वाले हैं। चलिए आइएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं पैच लड़ाने के लिए। ये मयंक भाई चले हैं बिल्कुल राइट हैंड साइड पर, सबसे ऊंची पतंग मयंक भाई की है, और अब तो बराबर से आ गई है ओपोनेंट के भाई। और मयंक भाई बता रहे हैं कि ओपोनेंट अब खुद ही रखने की कोशिश करेगा, अब भाग की तरफ निकालो, भाग की तरफ निकालो, काटा है
भाई सबसे इजी पेंच वाला देता। क्या ही बढ़िया पैच काटा भाई इसका तो, बस दो बार अपन ने इसकी पतंग काटी और मस्त मजा आ गया अपन को। मिलते आपको नेक्स्ट पतंग काटते हुए, आइएगा। एक और उड़ गई देखो। तो भाई भाई अपने लेफ्ट हैंड साइड पे और ओपोनेंट के अब नीचे आ गए हैं। और नहीं नहीं गलत एंगल बन रहा है, उधर बैक लौटो, बैक लौटो, रुक जाओ, रख दी रख दी, अब बहुत सही एंगल है। आईपो अब माइक माइक का रिएक्शन लेते हैं। ये तो भाई अपने लिए ऐसे थे जैसे यू ही खुद ही आ गए थे भाई, ये तो खुद ही कह रहे काट दो अपनी पतंग, हमने बिल्कुल काटे के यार। चलिए भाई नेक्स्ट पैच में मिलते हैं, आइएगा। एक ही अपनी जो पतंग है अभी तक चल रही बिल्कुल लगातार, जब से भाई पहले वाला ब्लॉक थोड़ा सा डाउन गया था क्योंकि उसमें बिल्कुल पतंगबाजी नहीं लगा, उसमें खींच नहीं आ रही थी यार, अब इसमें देख रहा खींच भी तो आ रही है, पतंग थोड़ी सेट भी हो गई हमने देखा। और जब से ये कितने पैच काट चुकी है आप लोग गिन के कमेंट में बताना एक बार। भाई आप एक बार ये देखिए, और ये घर का नजारा है हमारे, चेक कर, मस्त लग रहा है यार। एक्चुअली में क्या है भाई, अब झुंड उड़ने लगा उस तरफ। देखो भाई माई माई की पतंग अभी थोड़ी सी ऊपर है ओपोनेंट के, हम नीचे आ गई, सबसे नीचे माई माई की पतंग हो गई। अब देखो क्या हो गया, ऊपर से हो गया क्या, पैंच पैंच हो गया क्या, हटो हटो हटो, झटके से झटके उठाओ झटके, ओ रख दी रख दी सामने वाले, क्या कर रहा क्या कर रहा, देखो देखो भाई ये रख दी, देखो पैंच हो गए, झटके दो या तो हल्के हल्के ढील ना, हल्के झटके दो अभी, अच्छे से दो, एक और बिदाली नीचे, अच्छा बिदाली टाइट करो, अब टाइट करो झटके, टाइट करो, एक की तो कट गई भाई, काटते नहीं लटक लटक पैंच भाई, टाइट करो झटके, काटते भाई दो पैंच लगातार काटते हो गई। तो भाई अभी अपन ने दो पतंग लगातार काटी, एक पतंग से बेदे थे पहले पैच और फिर दूसरी पतंग से भी हो गया, उसने रख दिए भाई जानबूझ के, और ऐसा अपने खासकर बहुत ज्यादा करते, तो दोनों पतंग झटके झटकों पे गई, मतलब बहुत आराम झटके दिए तब जाके उसकी कटी। अपन लोग लड़ाने किससे जा रहे थे और लड़ किससे गए, लेकिन दो पैच काट के बढ़िया मजा आ गया। आज तो काफी सारे पैच हो गए इसी मुद्दे से अकेले। वो पतंग कट के आ रही, वो पतंग कट के आ रही, पतंग कट के आ रही, लूडो ये लोग बिता नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज देखी, मतलब पतंग जिनके घर में जाके गिरती ना उनके घर से कोई पतंग नहीं उड़ाता और उन्हीं की जाके जबरदस्ती गिरेगी, जहाँ पे उड़ती है वहाँ पे आती नहीं है भाई पतंग। भाई अपन ने जो दो लगातार पैच काटे हैं इसके लिए भाई एक लाइक तो बनता है। चलिए आइए बढ़िया से और पैच पे मिलते हैं, बहुत सारी पतंगबाजी हो रही है अपने, आइएगा। भाई एक पतंग टूट के आ रही बहुत दूर से भाई, ये देखो भयंकर झुंड उड़ने लगा पतंगों का भी, कुछ कहीं ना जाए भाई, जल्दी जल्दी काटो बढ़िया मजा आएगा। चलो अपनी कट भी स्टार्ट रखना भाई। हाँ ठीक है ठीक है। देखो भाई नीले वाली पतंग के साथ पैच हो गया है जो स्काई ब्लू कलर की है और झटके पे है, ठीक है। और माई वाई की पतंग बहुत आगे उड़ रही है, काटा है लेफ्ट हैंड साइड पे स्काई ब्लू कलर की पन्नी की पतंग कट गई है। ये देखो भाई नीचे है वो ओपोनेंट अपना, और भाई सबसे अच्छी खेच है बंदे की। और ये देखो माई वाई का नीचे से, और उसने डिफेंस करते हुए, अबे कहां से कट गई भाई ये, कैसे कट गई उस वाले पतंग से गई आगे वाले से, अबे यार इसका समझ में नहीं आया कैसे कट गई अपनी पतंग। तो फाइनली गई अभी अपनी पतंग कट चुकी है, क्योंकि भाई अपन लोग ले तो जा रहे थे बिल्कुल उसके नीचे घुस के और ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, किसी के डोर से टकराई और भाई अब फिर अपनी पतंग कटनी थी वो तो हो नहीं था। चलिए अपन लोग दूसरी पतंग उड़ाते हैं जल्दी। तो भाई अब पूरी तरीके से अंधेरा ही हो रहा है लगभग लगभग, और सूरज देवता डूब गए हैं अभी जस्ट, पैंच पे फोकस करिए इस समय। और माई भाई अपने राइट हैंड साइड पे, और ओपोनेंट की काटते हो भाई, भाई जितनी हम आपसे इसको समझा रहे थे और इतनी देर में भाई माई माई ने एक पैच काट दिया, और ये देखो पन्नी की पतंग कट के जा रही है जस्ट अभी वाली। ओ भाई देख ये हम लोग के सर के ऊपर एक पतंग आ रही है लड़ाने के लिए, भाई माई भाई कह रहे हैं इससे पैंच लड़वा रहे हैं, और माई भाई की पतंग ब्लू कलर की है और वो रेड कलर का मुड्ढा है, बहुत भाई दूरी से आ रहा है मुड्ढा लड़ाने के लिए, कन्ने से बिट गई। अरे अरे भाई, ओ भाई तीन दिन पैंच लड़ गए, ओ भाई ये देखो भाई ये देखो क्या हुआ क्या हुआ, ओ भाई ये मुड्ढा आ गया यहाँ पे, आए कहाँ इसकी डोर लटक रही, वो जी लटक रही आजकल सर्दियों में। भाई कैसा लगा आपको ब्लॉग, अपने मोहल्ले में अपने फ्रेंडों के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ सभी के साथ भाई शेयर करना इस वीडियो को लेके, व्हाट्सएप स्टेटस पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सभी जगह। चलिए मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, पतंग के काफ़ी सारे ब्लॉग आने हैं, आप लोग बता देना कैसे ब्लॉग आप लोगों को चाहिए कमेंट में, आप लोगों के लिए भाई कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं आराम से। और मिलते हैं नए ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ख़त्म, टाटा बाय बाय।